जो सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशनल पूरा जो बेसिस है वही सेकुलरिज्म ही है। जब हमारा सिविलाइजेशन बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये कहाँ से आया? दिस इज द टीचिंग्स ऑफ हिंदू फिलोसॉफी। सो ये हिंदू, हम हिंदू कभी सेकुलरिज्म का खिलाफ जा ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज दैट इज इम्बाइब इन आवर सिविलाइजेशनल वैल्यू। हमारा सभ्यता का साथ ये सब जुड़ा हुआ है। हमें सेकुलरिज्म कोई अदालत से, कोई नेता से या कोई डिक्टेटर से सीखना ज़रूरत नहीं है। जैसे सेकुलरिज्म का वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में इंदिरा गांधी जी ने 1975 में डाला, बट उनका पहले क्या हमारा देश सेकुलर नहीं था? नेहरू जी का समय में हमारा देश सेकुलर नहीं था क्या? लाल बहादुर शास्त्री जी का समय में देश सेकुलर नहीं था क्या? तो हमारा मानना है हमारा देश सेकुलर है ही, एंड फ्रॉम लास्ट 5000 ईयर्स वी आर सेकुलर। सो वी कैनॉट बिकम ए कम्युनल। कोई नैरेटिव आप बना सकता है, लेकिन हम कम्युनल हो ही नहीं सकता हूँ। अगर हम कम्युनल होते थे तब पार्टीशन का समय ही हमारा देश को हम हिंदू राष्ट्र बना देते थे। इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन जब हमारा संविधान सभा बने थे, पीपुल वेयर एंग्विश, पीपुल वेयर अपसेट, सारी रकम का हॉलोकास्ट का दुख था दिलों में। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कुड हैव मेक इंडिया ए हिंदू नेशन, बट हमने नहीं बनाए। कारण हमें सेकुलरिज्म कोई देश से, कोई नेशन से, कोई वेस्टर्न कंट्री से हमने नहीं सीखा है। ये हमारा सभ्यता है। इसीलिए हम रिलीजियन बेस्ड रिजर्वेशन को अपोज करता हूँ। अभी जो कांग्रेस और कोई प्रदेशों में जाति का आधार में रिजर्वेशन ST SC OBC वो हमारा संविधान में लिखा है, लेकिन धर्म का आधार में रिजर्वेशन हमारा संविधान में वो लिखा नहीं है। इसीलिए हम ये अपोज करता हूँ कि भारत को आप सेकुलर बने रहने दीजिए, धर्म का आधार आप कभी रिजर्वेशन मत लाइए। देखिए, कांग्रेस का यही है, हमारा देश में आज तक संविधान को जो डाइल्यूट करने का काम हुआ हमेशा कांग्रेस ही कर रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। कांग्रेस क्या बोल रहे हैं? नहीं, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाना है। मतलब क्या है? कांग्रेस इज ऑलवेज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कांग्रेस इज ऑलवेज अगेंस्ट द बेसिक इथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा एलिगेशन कांग्रेस में है, जो राहुल गांधी संविधान लेके घूमते हैं उसमें वो पन्ना है कि नहीं जो पन्ना में लिखा है ये देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? आज कांग्रेस कभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग का मानना है कि हमारा देश का ये एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का साथ विलीन करवाना। सो वी आर कॉन्शियस ऑफ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। कोई ना कोई दिन हमें लाना ही है दैट पार्ट ऑफ आवर लैंड। ये कांग्रेस ये बात नहीं बोलेगा, बिकॉज कांग्रेस को तुष्टिकरण का राजनीति करना है, और बाकी सब दल, कांग्रेस हो, बीजेडी हो, TMC हो, सबको तुष्टिकरण का राजनीति करना है। हमें वो करना नहीं है। उड़ीसा में डबल इंजन सरकार बन जाएगा। बोल There is no Modi wave, I admit, because there is a Modi tsunami. देश में मोदी का सुनामी चल रहा है, इसीलिए मोदी वेव आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ में तो मेरा लगता है कि जो माहौल है वो माहौल क्लियर आपको बता रहा है कि उड़ीसा इज नाउ लुकिंग फॉर द चेंज। उड़ीसा चेंज का तरफ आगे बढ़ रहा है, वो दिखाई देता है, क्लियर है। अभी अगर आप उड़ीसा को आगे ले जाना चाहते हैं, उड़ीसा को भारत का नंबर 1 प्रदेश बनाना है, तो आपको परिवर्तन होना ही पड़ेगा। अगर मैंने जो नज़दीक से उड़ीसा को देखा थोड़ा लास्ट 3-4 मंथ्स में, वी नीड टू चेंज। हमें डबल इंजन सरकार चाहिए। हाँ नहीं, होना नहीं सही है, बंद करना सही है ना। आपको 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 मैंने ये बता रहा हूँ, हमें करना सही है, देश में माहौल बनना सही है, हमारा देश में यूसीसी होना सही है, गो हत्या बंद होना सही है। एंड वो सरकार का काम नहीं है, ये तो हमारा लोगों का सोल में जो हम लोग गो आप एक्सपोर्ट में गया, बट इंटरनल हम भी इंटरनल भी तो खाते हो। नहीं नहीं, आप एक बंद करने से गो हत्या बंद होगा, आपको गो हत्या का खिलाफ पूरा एक माहौल बनाना पड़ेगा। हमारा असम से जो गो हत्या का गो का एक्सपोर्ट नहीं होता है, बीफ का एक्सपोर्ट नहीं होता है, हमारा इंटरनल कंजम्पशन है। आप क्यों ऐसा बात बोलते हैं? उसका कोई सबूत है आपका पास? काहे को ऐसा बात बोलते हैं? आपको आप जो भी पत्रकार है, आपको शोभा नहीं देता है ये सब बात बोलने के लिए। जब आपका पास कोई नहीं है, कुछ भी आपका पास नहीं है, आप क्यों ऐसा बात बोलते हैं? सर, आप चेन्नई में बोल रहे थे मिशन 120, लेकिन 26 में कैसे आप बनते हैं डबल सरकार बनेंगे? यहाँ का सीएम बोल रहे हैं आप दिवा सपना देख रहे हैं। देखिए, हम दिवा सपना देख रहा हूँ, सीएम कौन सा सपना देख रहे हैं? सीएम साहब का भी माइक भी तो दूसरा लोग पकड़ना पड़ता है, और माइक पकड़ने का भी जिम्मेदारी दूसरा बीजेपी को नहीं मिलता, एक ही व्यक्ति को मिलता है। सार्क और उड़ीसा का कोई लोग माइक नहीं पकड़ सकते, एक ही लोग माइक पकड़ सकते हैं। तो यहाँ तो सपना ने हकीकत हो गया है, आपका तो चेंज होने वाला है। आप भी तो सीएम साहब का माइक पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हो, इतना बुजुर्ग आदमी है। ये जिम्मेदारी आपका भी तो हो सकता है, आप भी तो ये जिम्मेदारी ले सकता है, लेकिन वो जिम्मेदारी भी तो आपका हाथ में नहीं है। साइंटिस्ट बनाना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना छोड़ दीजिए, खाली माइक पकड़ना है, वो काम भी तो आपका पास नहीं है। सर, वो तो आपको संसद में समर्थन करते हैं। नहीं नहीं, वो आप छोड़ दीजिए ना, आपको दुख नहीं लगता है, वो काम भी आपका पास नहीं है। मैं तो आपका बात बोल रहा हूँ, मेरा बात नहीं बोल रहा हूँ। खाली इसको ऐसे पकड़ के पकड़ना है, ये काम भी करने में एक उड़िया नहीं मिलते हैं। तो ये तो आपका मन में भी तो दुख होगा ना, हर बार वो देखते हैं और वही चेंज लाएगा। सर, जो गठबंधन की बातचीत हो रहा था, अभी भी आ रहा है कि रिजल्ट आएगा तो आपके साथ गठबंधन। देखिए, हमारा गठबंधन होगा जो होगा, लेकिन माइक उड़िया लोग ही पकड़ेगा। सर, कांग्रेस का अभियोग है माइक पकड़ने का, जिम्मेदारी हम दूसरा को नहीं दे सकता हूँ। आप जो भी करो, जितना भी करो, कोई बड़ा बड़ा पॉलिटिकल बात करो, सब कुछ करो, लेकिन कम से कम माइक पकड़ने का जिम्मेदारी तो आपका होना चाहिए। कांग्रेस का अभियोग है, मियां बीबी है यहाँ पे बीजेपी। देखिए, जयराम रमेश का बात कौन सुनते हैं? वो तो पंचायत भी नहीं जीता है आज तक, तो छोड़ दीजिए, उनका बात क्यों पूछते हैं? उसका जन्म उड़ीसा का कौन विलेज में हुआ था? अगर मैं आसाम से आके बोलता हूं कि यहाँ में क्लीन स्वीप होगा, वो होगा, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा आपको? मैं यहाँ आके आपको मांग सकता हूँ, भाई बीजेपी को मदद कीजिए, लेकिन मैं आपका ओर से बोलना शुरू कर दूंगा, अरे उड़ीसा में काल से वो होगा, ये होगा, आपको अच्छा लगेगा? तो ये सब लोगों का आप खुद ही आपका कॉन्शियंस को आप पूछिए ना। हाँ, अरे मोदी जी और नवीन पटनायक को छोड़ दीजिए, हम तो दूसरा व्यक्ति का बात कर रहा हूँ। मोदी जी और नवीन पटनायक, तो मोदी जी का कौन दोस्त नहीं है? मोदी जी का सब दोस्त है, मोदी जी का तो देश में कोई दुश्मनी नहीं है। आप भी दोस्त है मोदी जी का, आपको मिला नहीं है, आपको मिलने से आपको भी और दोस्त ही बोलेगा। ट्विटर में लिखा हुआ है परिवारजनों, तो मोदी का परिवार में आप भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन अलग पूछ रहा था। उड़ीसा पता नहीं आगा, कोई दिन तो आना है, आई थिंक आई हैव। देखिए, मैं आपको लास्ट टाइम भी बोल के गया था, आप लोग मुझको पूछ रहा था अलायंस होगा, तो मैं बोला था कि शपथ ग्रहण में आऊँगा। उसी दिन मैं आपको बोल के गया था इनडायरेक्टली, कोई अलायंस का बात नहीं है, लेकिन आप ही लोग पूछ रहा था अलायंस होगा। लेकिन मैं पार्टी कार्यालय में ही आपको इनडायरेक्टली बोल के गया था। किसलिए? माहौल उड़ीसा में चेंज का है, माहौल उड़ीसा में परिवर्तन का है।